दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है आगरा का लाल ताजमहल। क्या आपने इससे पहले कभी देखा है? दोस्तों भारत में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिसमें से एक रहस्य ये है जो लाल ताजमहल है। और बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ताजमहल बाहर एक ऐसी इमारत है जिसके सबसे ज्यादा मॉडल तैयार हुए हैं। दोस्तों एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं आ चुका हूँ आगरा में। आगरा में भगवान टॉकीज के पास एक जगह है जहाँ आपको दिखाने वाले हैं छुपा हुआ ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ये है लाल ताजमहल। मुझे उम्मीद है आज से पहले आपने ये वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा। आपको पता होगा आगरा जो है ताजमहल के लिए जाना जाता है, मोहब्बत की निशाने के लिए। और बताना चाहता हूँ ये जो ताजमहल है ये भी मोहब्बत की निशाने के लिए जाना जाता है। लेकिन दोनों फर्क क्या है आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अब तब की है जब भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत है यानी अंग्रेज है, उन्होंने अपने पैर पछाड़ने शुरू कर दिए थे। और ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाही जो है भारत में अलग अलग राज्यों की सेना में सिपाही के तौर पर तैनात थे। ऐसा ही एक डच मूल का सिपाही था जिसका नाम था कर्नल जॉन विलियम्स हैंसिंग। दोस्तों विलियम हैंसिंग भारत में अपने परिवार के साथ रहता था और आगरे में जो लाल किला है उसकी देखभाल के लिए उसे सेनापति नियुक्त किया गया था। विलियम्स हैंसिंग की पत्नी ने लाल ताजमहल का निर्माण कराया था, यानी अपने हस्बैंड से मोहब्बत दर्शाने के लिए। तो एग्जैक्टली जो है ये जो ताजमहल बना हुआ है ये विलियम हैंसिंग जो है उसकी पत्नी ने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हो जो हम देखेंगे अंदर का नज़ारा, तो यहाँ से आप अंदर का व्यू देख सकते हो। और जस्ट अभी हम ऊपर भी जाएंगे और ऊपर से इसका व्यू दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप चारों तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको कब्र मिलेगी, यानी आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है छतरी मिल जाएंगी। तो ये दर्शाते हैं ये एग्जैक्टली में एक तरह से कब्रिस्तान भी है और इसे विलियम हैंसिंग का मकबरा भी कहते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि 21 जुलाई 1803 में जब विलियम हैंसिंग का देहांत हुआ तब लाल ताजमहल की नींव रखी गई थी और ये नींव जो है उनकी पत्नी ने रखी थी। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला और एग्जैक्टली जो मराठा लोग थे उनके सेनापति भी थे और जो हैदराबाद के निज़ाम का सुना होगा, जब निज़ाम का दौर था तो उनके ये सेनापति भी रह चुके थे। तो एग्जैक्टली में आपको पता होगा कि ब्रिटिश सरकार ने भले से इंडिया में हुकूमत तो की लेकिन कुछ सच्चे ऐसे लोग थे जो उस समय भारत का साथ दे रहे थे और उसी में ये ताजमहल बनाया गया। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऊपर और ऊपर से इसका आपको व्यू दिखाते हैं कि आखिर ये कितना असली वाले ताजमहल को टक्कर दे पाता है। तो दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से मैं अंदर का व्यू दिखाऊं तो ये बंद तो हो रहा है बट यहाँ से आप अंदर का व्यू देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है उनका मकबरा है और जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं। और बाहर की बात की जाए तो यहाँ से आप एग्जैक्टली जो है इसके राउंड का व्यू देख सकते हो। तर्ज तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ताजमहल का तर्ज है, सेम इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ भी दरवाज़ा है और यहाँ से जो छोटा छेद देख रहे हैं ना, आपको पता है एग्जैक्टली जो कवर होती है वो नीचे होती है, ऊपर एक ऐसे आर्टिफिशियल कवर बनाई जाती है। तो अंदर का व्यू आप देख सकते हो उसका, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे छचुंदर होता है इसके अंदर। ये देखिए शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और सेम ये इसी तरीके से कॉपी है, दरवाज़ा जो है साइड से कॉपी है, यानी यहाँ पर आपको चारों दरवाजे मिल जाएंगे जो चारों साइड से हैं। और ये यहाँ का आप व्यू देख सकते हो। दोस्तों एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इस ताजमहल के बारे में पता था? पता था तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।
तो यहाँ पर बहुत सारे आप गेट जो है एग्जैक्टली देख सकते हैं। ये ऊपर का दरवाजा है जो फिलहाल जो है बंद है। दोस्तों, भारत में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिसमें से एक रहस्य ये है जो लाल ताजमहल है। और बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ताजमहल बाहर एक ऐसी इमारत है जिसके सबसे ज़्यादा मॉडल तैयार हुए हैं, यानी इसके नक्शे इतनी ज़्यादा कॉपी किए गए हैं, उसमें से एक नक्शा ये है जिसे बोला जाता है रेड ताजमहल। दोस्तों, अगर चारों तरफ के व्यू की बात की जाए तो आप देख लीजिए, चारों तरफ जो आपको जो है सिर्फ मकबरे दिखाई देंगे, यानी छतरी दिखाई देंगी। तो ये समझ सकते हो एक तरीके से अंग्रेजों का कब्रिस्तान था। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आखिर कर्नल जॉन विलियम्स हैंसिंग था कौन, वो इंसान जिसको भारत ने इतना सम्मान दिया, बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हैंसिंग है उन्होंने लंका के कैंडी युद्ध में भाग लिया था। उसके बाद वो भारत के हैदराबाद के निज़ाम की सेना में भर्ती हो गए थे। उसके बाद वो कुछ वर्षों बाद जॉन विलियम्स हैंसिंग ने महादजी सिंधिया की सैनी में उच्च पद प्राप्त किया, जो सिंधिया थे उनकी सेना में भी रहे। जब महादजी की मृत्यु हो गई तब हैंसिंग आगरा आ गए और आगरा के लाल किले की देखरेख का काम उन्हें मिल गया था। और आपको पता होगा कुछ समय के लिए वो मराठा जो लोग हैं उनके यहाँ भी वो रहे थे। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं नीचे और नीचे से इसका और व्यू आपको दिखाते हैं। दोस्तों, लाल ताजमहल के सामने जस्ट आपको एक गुम्बद मिलेगी, ये गुम्बद देख सकते हो, सेम ये वही तर्ज है जो आपने लाल किले में देखी होगी और एग्जैक्टली आपने ताजमहल में महसूस किया होगा। यहाँ से मैं आपको छतरी दिखाऊं तो बहुत सारी छतरी आपको यहाँ मिल जाएंगी, ये देखिए। और एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और ये आगरा की हिडन जगह मानी जाती है। बहुत सारे लोग इसे हॉन्टेड जगह कहते हैं, बट हॉन्टेड जैसा ऐसा यहाँ पर कुछ भी फील हो नहीं रहा है। दोस्तों, थोड़ा मैं अभी आगे ले चलता हूँ और आगे से मैं आपको जूम करके एक कब्र दिखाता हूँ। दोस्तों, ये कवर देख सकते हैं, जूम कर दिए मैंने। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप मुझे बताइए, क्या ये वाकई में जगह आपने पहले कभी देखी थी? क्योंकि आगरा में मैं खुद 5-6 साल रहा हूँ, मुझे इस जगह के बारे में पता ही नहीं था। और ये यहाँ की काफ़ी खतरनाक जगह मानी जाती है और छुपी जगह मानी जाती है। इस तरह के ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल को अरबाज ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपनी फैमिली में कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करें। अगर नहीं किया ना, बुरी खबर आने वाली है। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में।